नमस्कार बच्चों कैसे हैं आप सब मैं भाई आज आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा छः की गणित चैप्टर बारह जिसका नाम है वाणिज्य गणित <coughs> सॉरी वाणिज्य गणित इकाई बारह जी बारह एच तो उसका पहला सवाल इसमें हमने प्रश्न संख्या दो से छः तक का लिया है तो प्रश्न संख्या हमारा दो है देखिए पहला सवाल इसमें कह रहे हैं कि रहीम ने एक घड़ी को रुपए चौदह सौ में खरीद कर सोलह सौ सो में बेच दी उससे कितना लाभ हुआ तो देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य जो हमारा दिया गया है क्रय मूल्य देखिए उससे सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि लाभ हानि और क्रय मूल्य निकालते कैसे हैं तो जो हमारा लाभ होता है लाभ वो होता है विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य ठीक और जब हमारी हानि होती है हानि, तो वो होती है हमारी क्रय मूल्य मूल्य, माइनस यानी कि जब हमारा विक्रय मूल्य जो होगा वो क्रय मूल्य से अधिक होगा तब तो हमारा लाभ होगा यानी कि हमको लाभ मिलेगा जब हमारा क्रय मूल्य जो होगा वो हमारे विक्रय मूल्य से कम होगा तो हमको हानि होगी बस ये चैप्टर हम इन्हीं दो फार्मूले पे लेकर चलेंगे तो आइए देखते हैं सवाल दूसरा तो ऐसे यहाँ कहा जा रहा है कि ये घड़ी इतने में खरीद कर खरीद आ, कर यानी कि क्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य जो होता है यानी कि जिस किसी मूल्य पर हम जो वस्तु खरीदते हैं वो हमारा क्रय मूल्य होता है और जिस पर बेचते हैं वो हमारा विक्रय मूल्य तो यहाँ पर ख़रीद कर चौदह सौ में खरीदा तो यानी कि चौदह सौ जो है हमारा वो है हमारा क्रय मूल्य यानी कि क्रय मूल्य बराबर चौदह सौ रुपये और सोलह सौ में बेच दी तो यहाँ पर विक्रय मूल्य हो गया हमारा विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य है हमारा सोलह सौ रुपये अब देखिए यहाँ क्रय मूल्य हमारा चौदह सौ है और विक्रय मूल्य सोलह सौ यानी कि बेचा अधिक पे जा रहा खरीदा कम पे गया तो यहाँ पर लाभ होगा पूछ रहे हैं उसे कितना लाभ हुआ तो लाभ बराबर लाभ बराबर हमने अभी पहले बताया क्या कि विक्रय माइनस विक्रय माइनस मूल्य तो यहाँ विक्रय हुआ है सोलह सौ सो का सोलह सौ और क्रय हुआ हमारा चौदह सौ का यानी कि यहाँ पर हमको दो सौ रुपये का क्या हुआ है दो सौ रुपये का लाभ हुआ है यही हमको पूछ रहे हैं कि लाभ कितना हुआ है तो लाभ हुआ है हमारा दो सौ रुपये का ठीक ये आएगा इसका लाभ आइए देखते हैं अपना अगला सवाल ये हमारा प्रश्न संख्या तीन जिसमें कहा जा रहा है गीता ने एक साड़ी सात सौ में बेची अब यहाँ बेचने का मूल्य पहले दे दिया गया है और हानि दी हुई है तो क्रय मूल्य याद करना है तो कोई नहीं आइए देखते हैं तो विक्रय मूल्य यहाँ पर विक्रय मूल्य हमारे पास है सात सौ पचास रुपये और हानि दे रखी हानि बराबर हानि कितनी हुई इनको हानि हुई है एक सौ पचास एक सौ पच्चीस अब यहाँ पर हानि हुई है।, इसका मतलब ये है कि हमारा क्रय मूल्य जो हुआ है वो क्या है वो ज्यादा होगा से तभी हमको हानि हुई है तो आइए देखते हैं भाई तो हानि बराबर होता है हमारे पास हानि बराबर क्रय माइनस विक्रय मूल्य क्रय माइनस विक्रय ठीक तो हानि हमको दी है एक सौ पच्चीस क्रय हमको ज्ञात करना है क्रय हमको नहीं पता है बिक्रय मोल विक्रय मोल है हमारा सात सौ पचास अब क्या करेंगे हमको क्रय निकालना है तो क्रय मोल को हम इधर रोक लेंगे और बिक्रय को इधर लाकर ये माइनस का है इधर आके प्लस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा एक सौ पच्चीस प्लस सात सौ पचास इसको जोड़ेंगे तो सात जीरो में पाँच जुड़े पाँच सात और पाँच और दो सात सात और एक आठ यानी कि क्रय मूल्य हमारा कितना रहा होगा क्रय मूल्य हमारा रहा होगा आठ सौ पचहत्तर रुपये ठीक आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न अभी हमारा चौथा प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है कि एक किसान ने एक गाय को एक किसान ने एक गाय को एक सौ तीस में खरीदा और उसे दो सौ पचास की हान उठाकर बेच दी दे। देखिये यहाँ भी हान हमको दी गई है तो जो हमारे पास है आए देखते हैं यहाँ कहा जा रहा है किसान ने गाय को एक सौ तीस रूपये में खरीदी खरीदी मतलब क्रय किया तो क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा एक सौ तीस रुपए और हानि कितनी उठाई हानि है हानि है दो सौ पचास रुपये करे किसान ने गाय कितने रुपए में बेच दी यानी कि विक्रय मूल्य यहाँ पता करना है कौन सा मूल्य विक्रय मूल्य हमारे पास जो फार्मूला हमने बताया आइए उससे देखते हैं यहाँ पर हानि बराबर होती है हानि बराबर क्रय माइनस विक्रय मूल्य क्रय माइनस विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य अब हमको हानि दे रखी है हानि तो हानि यहाँ है दो सौ पचास दो सौ पचास रुपये की हानि हुई एक किसान ने एक गाय को एक सौ तीस में खरीदी सॉरी यहाँ खरीदा हाँ ठीक है क्रय मूल्य दे रखा हमको तो मूल्य की याद करना तो क्रय कितना है हमारा क्रय किया है एक सौ तीस रुपए की और यहाँ पर निकालना है हमको विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य अब क्या करेंगे इसको इधर ले आएंगे या फिर यहाँ हम लिख सकते हैं दो सौ पचास माइनस एक सौ तीस अब घटाएंगे इसमें से हम तो ये आएगा हमारा जीरो दो एक सौ देखिए यहाँ सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ टाइप करने में यहाँ एक सौ तीस नहीं यहाँ यहाँ होगा हमारा तेरह सौ रुपये यहाँ होगा हमारा तेरह सौ रुपये ठीक तो अब देखिए क्रय मूल्य कितना है एक किसान ने गाय को इतने में खरीदी तो क्रय किया है क्रय मूल्य है हमारा तेरह सौ इसीलिए वहाँ पर आंसर गड़बड़ हो रहा था तेरह सौ रुपये वो इतने की हान उठाकर यानी कि हान कितने की, की उसकी कितने की हुई उसको ढाई सौ रुपये की करे कितने में बेच दी तो विक्रय मूल्य यहाँ पर हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य मूल्य हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस हानि भाई जितने के खरीदो उसमें से हम हानि घटा देंगे अपना हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा तो क्रय किया है तेरह सौ का और हानि हुई है दो सौ पचास की तो इसको हम घटा देंगे हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य मूल्य हो जाएगा हमारा यहाँ पर एक हजार पचास रुपये कितने का एक हजार पचास रुपए की उसने गाय को खरीदा था आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ हमारा अगला प्रश्न है हरीश ने एक पुरानी स्कूटर इतने में खरीदी अब देखिए जहाँ पर भी खरीदने का बात या जिक्र किया जाएगा वो हमारा होगा मूल्य तो यहाँ पर हमारा मूल्य कितने का है क्रय मूल्य है हमारा सात हजार रुपये सात हजार रुपए और इतने उसकी मरम्मत देखिए मरम्मत में और लागत मूल्य जो भी है वो क्या? उस वो हमारा हमारा क्या उस क्रय में जुड़ता तो ये हमारा मरम्मत वाला जो होगा वो इसी में जुड़ जाएगा भाई मरम्मत कराएंगे तो वो हमारे क्रय पे ही आएगा ठीक तो ये पर है छिहत्तर सो रुपए अब क्रय इसका बन गया छिहत्तर सो रुपए ठीक बताइए स्कूटर की लागत मूल्य क्या है तो लागत मूल्य यहाँ पर लागत मूल्य हमारा यही हो जाएगा कितना छिहत्तर सौ रुपये देखिए जब भी हम कोई सामान लेते हैं तो उसकी मरम्मत कराते हैं उसको न, आ, पॉलिश कराते हैं उसको आ, जो भी करते हैं तो वो सब हमारा जुड़ जाता है वो सब हमारा लागत खर्च में आ जाता है ठीक तो यहाँ पर लागत खर्च हमारा हो गया छिहत्तर सौ देखते हैं अपना अगला प्रश्न देखिए डेविड ने एक मकान अड़तालीस सौ में ख़रीदा तो क्रय कितने का किया क्रय मूल्य यहाँ पर हो गया अड़तालीस अड़तालीस हज़ार रुपये अड़तालीस हज़ार रुपये उसने उसकी रंगाई पताई अब ये ये जो रंगाई पताई वो साज सज्जा का खर्च है ये सब हमारा लागत में आएगा ठीक तो रंगाई पताई में कितना खर्च किया तो रंगाई पताई में उसने खर्च किया दो हज़ार रुपये यानी कि टोटल लागत हमारी जो आई लागत वो कितने की आई जो हमारी लागत हुई है लागत हमारी हो जाएगी पचास हज़ार रुपये पचास हजार रुपये ये हमारी हो गई लागत मूल्य यानी कि अब हम इतने का हमको ये पड़ा है ठीक इतना का हुआ अब कह रहे हैं उसने मकान को पचपन हजार में बेच दिया यानी कि बिक्रय मूल्य हमको दिया है कितना पचपन हजार अब देखें यहाँ लागत मूल्य हमारा पचास हजार है विक्रय मूल्य हमारा पचपन हजार रुपये पचपन हज़ार रुपये कह रहे उसे कितना लाभ हुआ तो लाभ हमारा क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा हमारा फिर हम विक्रय में से क्रय घटाएंगे यानी कि पचपन हजार में से हम कितना घटाएंगे पचास हजार पचास हजार तो यहाँ ये जो दो हजार रुपये है सॉरी पांच हजार रुपये है ये जो पाँच हजार रुपये है हमारा पांच हजार का हमको क्या हुआ है लाभ हुआ है ये हो गया हमारा लाभ ओके थैंक यू बच्चों आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और इसके आगे की क्लास हम लाएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए देखते रहिए स्क्वायर क्लास और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें थैंक्स फॉर वॉचिंग